नमस्कार। इस वीडियो में हम 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र और स्वायत्त राज्यों के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र का भाग है। आज हम बंगाल राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। बंगाल राज्य के प्रथम शासक थे मुर्शिद कुली खां। इन्होंने 1717 से 1727 ईस्वी तक शासन किया। बंगाल में स्वतंत्र राज्य की नींव मुर्शिद कुली खां ने डाली। वह बादशाह द्वारा सीधे तौर पर नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुर्शिद कुली खां बंगाल का नायब निज़ाम तथा उड़ीसा का सूबेदार था। मुर्शिद ने नाज़िम व दीवान के पद को एक कर दिया। उसने बंगाल में वंशानुगत शासन की शुरुआत की। हालांकि बंगाल के नवाब नाम मात्र की अनुशंसा मुगल बादशाह से प्राप्त कर रहे थे, लेकिन वास्तव में वे स्वतंत्र थे। मुर्शिद कुली खां 1704 ईस्वी में बंगाल को की राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद ले गए। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में राजस्व वसूली को सुदृढ़ किया। इसके लिए छोटे जमींदारों का उन्मूलन किया, बड़े जमींदारों को प्रोत्साहन किया। वह खालसा भूमि का विस्तार किया तथा इजारेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया। मुर्शिद कुली खां ने बड़े जमींदारों पर आधारित कुलीन वर्ग का विकास किया। वह किसानों को तकावी ऋण प्रदान किया। फार्मिंग की रिपोर्ट के अनुसार मुर्शिद कुली खां के राजस्व सुधारों के कारण बंगाल का वार्षिक राजस्व लगभग 1.5 करोड़ रुपए हो गया। मुर्शिद कुली खां के समय में 3 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह सीताराम उदय नारायण व गुलाम मोहम्मद ने किया, दूसरा विद्रोह सुजात खां ने और अंतिम विद्रोह नजात खां ने किया। मुर्शिद कुली खां इजारेदार कहलाने वाले अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से रैयतों से सीधा राजस्व एकत्र करता था। सुजाउद्दीन ये मुर्शिद कुली खां का उत्तराधिकारी था। वह मुगल दरबार में राजस्व भेजता रहा, लेकिन व्यवहार में वह पूर्णतः स्वतंत्र रहा। 1732 ईस्वी में सुजाउद्दीन ने अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बनाया। सुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र सरफराज बना, जिसने आलम उद्दौला हैदर जंग की उपाधि धारण की तथा इसको बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में घेरिया या गिरिया के युद्ध में पराजित कर मार डाला। सरफराज ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर में कमी कर दी थी। अलीवर्दी खां इनको महाबत जंग की उपाधि प्राप्त थी। यह 1740 से 1756 ईस्वी तक शासक रहे। अलीवर्दी खां के काल से बंगाल दिल्ली से पूर्ण स्वतंत्र हो गया। उसने प्रारंभ में 2 करोड़ रुपए दिल्ली दरबार में नजराने के रूप में भेजने के बाद नजराना भेजना व नियुक्तियों के लिए अनुशंसा प्राप्त करना बंद कर दिया। मराठा आक्रमणों से तंग होकर अलीवर्दी खां ने 1751 ईस्वी में मराठों से संधि कर ली, जिसके तहत वह मराठों को 12 लाख रुपये सालाना चौथ देने को तैयार हुआ और उड़ीसा भी मराठों को इस शर्त पर सौंप दिया कि वे फिर कभी बंगाल में प्रवेश नहीं करेंगे। अलीवर्दी खां को 1748 में अफगान विद्रोह का सामना भी करना पड़ा। अलीवर्दी खां को दिल्ली से महाबत जंग की उपाधि प्राप्त हुई थी। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता व फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी का विरोध किया। अलीवर्दी खां ने मृत्यु से पूर्व अपने नाती सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, किंतु पूर्णिया के फौजदार शौकत जंग व अलीवर्दी खां की बेटी घसीटी बेगम सिराजुद्दौला की मौसी थी ने सिराजुद्दौला के दावे को चुनौती दी। इससे दरबारी गुटबंदी बढ़ी व ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका फ़ायदा उठाकर बंगाल में पैर जमा लिए। अलीवर्दी खां ने यूरोपीय लोगों के बारे में कहा था कि ये मधुमक्खी के समान है, यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो ये शहद देंगे और छेड़ा जाए तो ये डंक मारेंगे। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल। मुगलकालीन बंगाल में आधुनिक पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। बंगाल में डच, अंग्रेज व फ्रांसीसियों ने व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी, जिनमें हुगली सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। 1651 ईस्वी में शाहसूजा ने अनुमति लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में हुगली में अपने प्रथम कारखाने की स्थापना की। 1670 से 1700 ईस्वी के बीच बंगाल में अनाधिकृत अंग्रेज व्यापारियों, जिन्हें इंटरलोपर्स कहा जाता था, ने कंपनी नियंत्रण से मुक्त होकर व्यापार किया, जो अंग्रेजों व मुगलों के बीच संघर्ष का कारण बना। अलीवर्दी खां ने कलकत्ता व चंद्रनगर में अंग्रेज व फ्रेंच किलेबंदी का विरोध किया। सिराजुद्दौला 1756 से 1757 ईस्वी। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला का वास्तविक नाम मिर्ज़ा मोहम्मद था। सिराज के विरोधियों में पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, चचेरा भाई सिराज की मौसी घसीटे बेगम व सेनापति मीर जाफर अलीवर्दी खां का बहनोई प्रमुख थे।
सिराज ने अक्टूबर 1756 ईस्वी में मनिहारी के युद्ध में पूर्णिया के नवाब शौकत जंग को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। सिराज ने अपनी मौसी घसीटी बेगम को बंदी बना लिया व मीर जाफर की जगह मीर मदान को सेनापति नियुक्त किया। फर्रुखशीर द्वारा दिए गए दस्तक का कंपनी के कर्मचारियों द्वारा अपने निजी व्यापार के लिए दुरुपयोग किया जाता था। वह कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला के विरोधियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचना शुरू कर दी। कंपनी ने फोर्ट विलियम की बिना इजाज़त के किलेबंदी भी कर ली थी। इन सब ने कंपनी व सिराज के रिश्तों में कड़वाहट ला दी थी। 15 जून 1756 ईस्वी को नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण किया। कलकत्ता के गवर्नर ड्रेक ने फुलटा टापू पर शरण ली। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम अली नगर रख दिया। 20 जून को फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला ने अधिकार कर 146 अंग्रेज स्त्री पुरुष व बच्चों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया, जिनमें से सुबह तक केवल 23 व्यक्ति ही जीवित रहे। अंग्रेज इतिहासकार इसे काल कोठरी त्रासदी या ब्लैक हॉल ट्रेजेडी कहते हैं। अंग्रेज इतिहासकार हॉलवेल भी इस त्रासदी में जीवित रहे 23 व्यक्तियों में से एक हैं। अक्टूबर 1756 ईस्वी में कंपनी ने मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान कलकत्ता भेजा, जिसमें एडमिरल वॉटसन क्लाइव का सहयोग सहायक था। क्लाइव ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया, क्योंकि नवाब के प्रभारी अधिकारी मानिक चंद ने क्रूस लेकर कलकत्ता अंग्रेजों को सौंप दिया था। कालकोठरी की घटना का एच जेड हॉलवेल के अलावा कोई इतिहासकार कहीं वर्णन नहीं करते हैं। अली नगर की संधि 9 जून 1757 ईस्वी को कंपनी व सिराज के मध्य हुई। इसके अनुसार सिराज ने कंपनी को मुगल बादशाह द्वारा दी गई सभी व्यापारिक सुविधाओं को स्वीकार कर लिया। अंग्रेज फैक्ट्रियों को वापस करते हुए युद्ध का हर्जाना भी दिया। अंग्रेजों को कलकत्ता के किलेबंदी व सिक्के ढालने का अधिकार भी इस संधि ने दिया। अब अंग्रेजों ने मुर्शिदाबाद में सिराजुद्दौला के स्थान पर किसी कठपुतली नवाब को बैठाने की योजना बनाई। कंपनी ने सिराज के विरोधियों मीर जाफर, राय दुर्लभ, यार लतीफ खां, जगत सेठ बैंकर व अमीचंद से मिलकर मीर जाफर को अगला नवाब बनाने का षड्यंत्र रचा। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि दी थी। मीर कासिम ने 1763 ईस्वी में जगत सेठ की हत्या करवा दी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी। अंग्रेजों ने मार्च 1757 ईस्वी में फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर जीत लिया था। 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर प्लासी गांव में क्लाइव व सिराजुद्दौला की सेना के बीच हुआ प्लासी का युद्ध। प्लासी बंगाल के नदिया जिले में गंगा या भागीरथी नदी के किनारे है। मीर जाफर, यार लतीफ खां व राय लोगम ने नवाब की सेना में विश्वासघात किया। इन्होंने बिना लड़े ही मैदान छोड़ दिया। नवाब के वफादार मीर मदान व मोहन लाल लड़ते हुए मारे गए। सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने महल जाने की सलाह दी। सिराज युद्ध मैदान छोड़कर महल चला गया, जहां उसकी मीर जाफर के बेटे मीरन ने हत्या कर दी। 28 जून 1757 ईस्वी को मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। पन्नीकर के शब्दों में प्लासी एक सौदा था, जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों को बेच दिया था। मीर जाफर, मीर बख्शी, अमीचंद धनी व्यापारी, जगत सेठ बंगाल का बैंकर, मानिक चंद कलकत्ता का अधिकारी, खादिम खान नवाब की सेना का कमांडर आदि नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले प्रमुख षड्यंत्रकारी थे। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को भारत का सबसे समृद्ध प्रांत हाथ लगा दिया। वे बंगाल की लूट से अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य की जड़ें जमाई। प्लासी के बाद बंगाल का नवाब कंपनी के हाथ की कठपुतली बन गया। मीर जाफर 1757 ईस्वी से 1760 ईस्वी। मीर जाफर को क्लाइव ने बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जमींदारी नवाब बनने के उपलक्ष्य में पुरस्कार स्वरूप दी। वह मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय ने क्लाइव को उमरा की उपाधि प्रदान की। बंगाल के सभी फ्रांसीसी व्यक्तियों को मीर जाफर ने अंग्रेजों को सौंप दिया। मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ या जकाल कहा गया है। मीर जाफर ने अंग्रेजों को 1757 से 1760 ईस्वी के बीच 3 करोड़ रुपए घूस में दिए। वह क्लाइव को भी ढेर सारी भेंट प्रदान की। शीघ्र ही मीर जाफर अंग्रेजों से दुखी हो गया। वह डचों के साथ मिलकर अंग्रेजों को बाहर निकालने का षड्यंत्र रचने लगा, लेकिन
डच 1759 ईस्वी में बेदारा के युद्ध में अंतिम रूप से पराजित हुए। 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया। क्लाइव ने अपने जीवन की शुरुआत कंपनी में क्लर्क के रूप में की थी। 1751 में द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय अर्काट के घेरे में क्लाइव को प्रसिद्धि मिली। 1758 ईस्वी में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। 1760 में बंगाल के गवर्नर वेंसीटाट ने मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को नवाब बनाया। इस घटना को बंगाल की दूसरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 27 सितंबर 1760 ईस्वी को कंपनी व मीर कासिम के बीच समझौता हुआ, जिसके अनुसार मीर कासिम ने कंपनी को बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव जिले देना स्वीकार किया तथा सिलहट के चूना व्यापार में कंपनी का आधा भाग रखा गया। मीर कासिम 1760 से